नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 4 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम नोएडा ऑडी कांड से कर रहे हैं। नोएडा ऑडी कांड का कार मालिक पहली बार कैमरे पर सामने आया। आज तक से बातचीत में डॉक्टर मनीष रावत ने पूरी घटना का ब्यौरा दिया। मनीष का कहना था कि अचानक ओवरटेक करने से यह हादसा हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर डर से भाग गया, लोगों की भीड़ जमा थी, इसलिए वो भी अपने घर चला गया। सत्ताईस जनवरी की रात को गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक ऑडी Q7 ने एक ऑटो को टक्कर मारी, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गए और उसके बाद से ही तमाम सवाल गाजियाबाद पुलिस पर खड़े हो रहे थे। एक ड्राइवर था जिसने अपना बेल लिया कोर्ट से, जिसको बताया जा रहा है कि वो फर्जी है, उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो अभी भी लापता है। लेकिन उस गाड़ी ऑडी Q7 के मालिक मनीष रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लगभग 1 हफ्ते के बाद मनीष मीडिया के सामने आए हैं। मनीष, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि उस रात हादसा कैसे हुआ। देखिए, मैं दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा था, जो मेरे लॉस के घर है, वहाँ सिंगल लोड थी। अचानक से ऐसा लगा कि ड्राइवर बहुत ओवरटेकिंग समबड़ी, जैसे ही उसने गाड़ी थोड़ा टिल्ट करी तो सीधा बैंक हुआ, एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद सडनली मेरी गर्दन और मैं पूरा शरीर आगे गया, वो तो एयरबैग की वजह से बच गया। उसके बाद जब मैंने होश देखा तो ड्राइवर वहाँ गेट खोल के जा रहा था। मैं अपोजिट साइड पहुँचा तब तो ड्राइवर भाग गया था। जब मैं अपोजिट साइड पहुंचा तब तक वहां पर पब्लिक आ गई थी, काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। कोई फ़ोन नंबर लगा रहा था, कोई एम्बुलेंस को फ़ोन लगा रहा था, तो मुझे डर ये लगा क्योंकि ड्राइवर भाग गया है कि सारे लोग ये बोलेंगे कि ये पैनिक में कि ये गाड़ी चला रहे थे। उसी पैनिक में मैंने वहाँ जो एक कार खड़ी थी उससे लिफ्ट लेके मैं आगे चला गया था। इसके बाद आप कहाँ पे गए थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि आपके मोबाइल की जो लोकेशन थी वो एक्सीडेंट के आसपास थी, जबकि 11:50 के आसपास का एक्सीडेंट था। मैं बैठा हुआ था तो मेरी लोकेशन तो वही आएगी। उसके बाद मैं अपने घर गया था तो उसकी लोकेशन भी वही आनी चाहिए। उसके बाद मैं अपने सरकारी आवास पर गया था कि ड्राइवर भाग के वहाँ पहुँचा होगा मेरे सरकारी आवास पर, वो वहाँ नहीं पहुँचा। तो उसी उदयपुर में 1-2 दिन निकले थे। उसके बाद ही 30 तारीख को पुलिस से नोटिस मिला था मुझे, इसका मैंने जवाब दिया रिटर्न में कि ये ड्राइवर है, ये यहाँ रहता है, ये यहाँ चलाता था मेरी गाड़ी। 27 तारीख की रात का एक्सीडेंट है, 30 तारीख को आपके पास नोटिस पहुंचा, गाजियाबाद पुलिस आपके जो कॉटन काउंटी जो काउंटी का जो लोगो लगा था उसके जरिए आपके पास पहुंची है। आपने खुद पुलिस तक पहुंचने की जहमत क्यों नहीं उठाई। देखिए, मैं तो इसमें इस समय इतना डरा हुआ था, मेरा मोबाइल तो बंद हो गया था तो मैं तो कांटेक्ट कर नहीं सकता था। दूसरा, क्योंकि ड्राइवर उस समय लापता हो गया था और ड्राइवर को कांटेक्ट नहीं था, ड्राइवर को ढूंढना और उसको पुलिस के सामने समक्ष रखना मेरा एक जिम्मेदारी बनती थी, तो मैं उसको ढूंढने के लिए निकला था। नहीं, उससे पहले 2 दिन का वक्त लगा इसमें, अब उस बीच 28-29 तारीख 2 दिन बीत गए। आप खुद भी जा सकते थे कि ड्राइवर मेरा गाड़ी चला रहा था और मैं मालिक था इसका। आपने क्यों नहीं पुलिस को ये बात बताई, खुद सामने जाना चाहता था कि जो सत्य वो सामने आए। पहले वो ड्राइवर सामने आए जो कि था वो फरार था, उसको ढूंढने के लिए जहाँ जहाँ जो मैं सक्षम था मैं उसमें कोशिश करेगी। इशाक पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इशाक जिसने कोर्ट में बेल ली है लेकर के, एक नया इशाक आसाम से खड़ा हुआ, उसने कहा है कि जो एड्रेस दिया जा रहा है वो उसका है और वो गाड़ी नहीं चला रहा था, तो ये इशाक कौन है, आखिर क्या सच्चाई है इसकी। देखिए, जब मैं बरेली में था हॉस्पिटल में तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी इशाक से, वहाँ उनके जान पहचान वाले भी एक आदमी था उसके थ्रू हुई थी, उन्होंने बताया था इशाक अहमद है, वो उस समय भी मेरी गाड़ी चलाता था 1-1.5 साल पहले, तब भी मैंने RTO से वेरीफाई किया था कि जैसे इशाक इसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वैलिड है कि नहीं, वो वैलिड मिला था। इसके अलावा तो वेरीफिकेशन और कुछ कर नहीं सकते थे वहाँ पर। जब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था तो वो क्योंकि बरेली रहना चाहता तो वो आया नहीं। अभी 15-20 दिन पहले से ही उसने मुझे ज्वाइन किया है तो वही गाड़ी चला रहा था। अब वो इशाक इज अ इम्पोस्टर और नॉट, आई डोंट नो। जो कागज़ आपको दिखाए गए थे, उन्होंने दिखाया था, आपने RTO में वेरीफाई कराया, तो क्या मतलब इन्होंने कभी इस तरीके से आपको बताने की कोशिश करी कि उनका नाम कुछ और हो, क्योंकि अभी उनका नाम इम्तियाज़ भी सामने आ रहा है जो बरेली से है। मुझे इसमें नॉलेज में नहीं है। अब देखिए, वो खुद ही माननीय कोर्ट के सामने पेश हुआ है, खुद ही जमानत ली है उसी नेम से। अगर वो फेक होता है, इम्पोस्टर होता है, तो फिर माननीय कोर्ट डिसाइड करेगी। पुलिस का कहना है कि बीच में आपका भी मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, आप उसके बाद से गायब थे, और जब अब पुलिस ने आपको कहा कि आपके खिलाफ नॉन बिलेबल वारंट जारी होगा, तब जाकर आपने सोमवार को पुलिस सामने आए हैं और अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया है। देखिए, नोटिस मिलने के बाद और ड्राइवर की जमानत के बाद मैं अपना इतना मेंटल टॉर्चर में था कि मैं अपने बीवी बच्चों के पास में आराम कर रहा था। उसके बाद मेरे को मीडिया की न्यूज़ के खबर लगी कि मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए पुलिस में ढूंढ लिया, तो मैं इमीडिएटली उसी दिन कल आके मैंने स्टेटमेंट दिया। 4 लोगों की मौत हुई है, उनका परिवार दावा कर रहा है कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, क्या आपने इंसानियत के नाते, एज ए डॉक्टर प्रोफेशन है आपका, आपने खुद उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, कुछ उनको कंसोल करने की कोशिश की। देखिए, मैं खुद ही इतना मेंटल टॉर्चर में था, मुझे खुद को भी इतनी चोट आई थी कि मैं उस समय इस स्थिति में नहीं था, लेकिन हाँ, मैं करना जरूर चाहूँगा। देखिए, मैं एज ए बींग ए डॉक्टर, हम तो मरीज को बताने के लिए पूरे दिन रात लगे रहते हैं।